गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर आशीष और आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ का, और क्लास नाइन्थ में एक टॉपिक है प्रो कैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल। देखिए, प्रो का मतलब ही होता है प्रिमिटिव, तो प्रो कैरियोटिक मीन्स ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इसके अकॉर्डिंग आता है बैक्टीरिया। और यू कैरियोटिक का मीन्स क्या होता है, यू मीन्स एडवांस या ट्रू, जैसे न्यूक्लियस क्या होता है एडवांस टाइप का, उसे बोलते हैं हम यू कैरियोटिक सेल। प्रो कैरियोटिक में क्रोमोसोम क्या होता है सिंगल, बट यू कैरियोटिक में क्रोमोसोम क्या होते हैं, इनकी काउंटिंग क्या होती है मैनी। प्रो कैरियोटिक के अकॉर्डिंग क्या आएगा बैक्टीरिया, बट यू कैरियोटिक के अकॉर्डिंग क्या आएगा एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये सभी क्या होते हैं यू कैरियोटिक। प्रो कैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट डिफाइंड बाई सेल ऑर्गन, बट यू कैरियोटिक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दीज आर डिफाइंड बाई सेल ऑर्गन। तो डिफरेंस है प्रो कैरियोटिक सेल एंड यू कैरियोटिक सेल। ओके, थैंक यू। और ये देखिए, इस जो टॉपिक मैंने डिस्कस किए उसी को यहाँ पे अपडेट किया मैंने, और यहाँ पे डायग्राम अपडेट किया गया दोनों टाइप की सेल का, प्रो कैरियोटिक का और यू कैरियोटिक सेल का। देखिए, जो यू कैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस क्या होता, प्रेजेंट होता, जबकि प्रो कैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता, प्रिमिटिव या अब्सेंट होता। दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, बट यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ये प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक सेल एंड सेकेंड है यूकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, एंड यू कैरियोटिक के अकॉर्डिंग जो एग्जाम्पल है ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ यू कैरियोटिक सेल। तो ये यहाँ पे डायग्राम भी मेंशन किया गया लाइक द बैक्टीरिया का, यदि पूछा जाए बैक्टीरिया में किस टाइप की सेल है तो आंसर आएगा प्रो कैरियोटिक, और यहाँ डिफरेंस दिया गया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो यदि पूछा जाए कि प्रो कैरियोटिक की साइज कितनी होती है तो आंसर आएगा लाइक द 1 to 10, एंड यूकैरियोटिक साइज 5 to 100 माइक्रोन मीटर, 1 माइक्रोन इक्वल 10^-6 मीटर। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम क्या होगा, सिंगल, जबकि यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम क्या होते हैं, मोर देन होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, इसे बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है, इनसाइड द जेनिक, आपने डायग्राम देखा हो एनसीईआरटी में, तो न्यूक्लियस के इनसाइड जो स्ट्रक्चर होती है थर्ड लाइन, उसे क्या बोलते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियर रीजन इज नॉट वेरी वेल डिफाइंड, ये होता है आपका प्रोकैरियोटिक में, और जो रीजन होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लोइड, जबकि यहाँ पे क्या होता है न्यूक्लियर रीजन इज वेरी वेल डिफाइंड एंड सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, सेपरेट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड न्यूक्लियस। तो ये टॉपिक है आपका यू कैरियोटिक सेल का। तो ये दोनों डिफरेंस यहाँ पे मेंशन दिए गए प्रो कैरियोटिक सेल का, और दूसरा डायग्राम है, दूसरा पॉइंट यहाँ डिस्कस किया गया यू कैरियोटिक सेल का। और यू कैरियोटिक सेल में मैंने अभी बताया भी आपको, इसका एग्जाम्पल क्या होता है ऑल एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ यू कैरियोटिक सेल। तो आप इसे ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और जहाँ डाउट हो आप बताइए, एंड लाइक कमेंट्स एंड शेयर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।